जी सीताराम गुरु जी। सीताराम, क्या नाम है बहन आपका? जी मेरा नाम मुस्कान तिवारी है, मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से जी, आदेश करें। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये रामायण क्यों बनाई गई, मतलब वाह महाभारत क्यों बनाई गई, भगवान ने सृष्टि में जन्म क्यों लिया, और फिर सतयुग कलयुग, वैसे इतनी नॉलेज नहीं है बट लड़की हूँ, सब कहते हैं शादी करके दूसरे के घर जाना है, ये करना है वो करना है, कल के दिन जीवन ऐसा रहेगा आगे रहेगा, मतलब सब क्यों किया, सब कहते हैं उनने जन्म लिया, फिर उनने ये कलाएं की, जब उन्हें सब पता था तो फिर ये सब क्यों किया। वाह, बहुत विचलित है मन, इस तरह ही नहीं। पहली बात तो तुम्हारा इतना प्रश्न गोलमोल है कि तुम्हें खुद पता नहीं कि हम पूछें क्या। हाँ वही बात, क्या नाम बताया बहन आपने? मुस्कान तिवारी, ब्राह्मण ही हूँ। ब्राह्मण जानना चाहती हूँ, आप रामायण पढ़ते हैं? थोड़ी सी पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है। थोड़ी इसीलिए तो ये गड़बड़ी है, बताइए ना आप। थोड़ी सी पड़ी इसीलिए तो ये गड़बड़ी है। जी जी जी, हम बताते हैं। बिटिया, भगवान ने ये लीलाएं इसलिए की, रामायण इसलिए बनाई है, सबसे पहले तो ये जानो कि सृष्टि क्यों बनाई। यही जानना चाहते ना, संसार क्यों बनाया? सृष्टि का मतलब संसार, सृष्टि मतलब तुम्हारी सहेली नहीं, हाँ हाँ, सृष्टि का मतलब संसार। हाँ तो भगवान ने संसार इसलिए बनाया है ताकि संसार में अनेक योनियों में व्यक्ति जो है स्वर्ग और नरक को भोग सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। भगवान ही सृष्टि बने हैं और भगवान ही भगवान बने हैं। अपने से जीवात्मा को दूर करके मिलने के लिए उसको छोड़ देते हैं इस जगत में, इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया है। नंबर दो, भगवान ने ये लीलाएं क्यों की, भगवान जन्म क्यों लेते? पहली बात तो बिटिया बेटू, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते। फिर भगवान ने कलाएं क्यों की? भगवान से किसी ने पूछा कि आप अवतार क्यों लेते हैं, आपको क्या जरूरत है, जब आप सब इच्छा मात्र से कर सकते तो क्या इच्छा मात्र से रावण को नहीं मार सकते, कंस को नहीं मार सकते थे क्या, क्या अत्याचारियों को नहीं मार सकते थे? आपका यही तर्क होगा ना। हम समझ गए, हाँ बिल्कुल हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं। गुरुजी, 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 हाँ, प्रभु नहीं है आपसे, हाँ, गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा? नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा, प्रभु कहा। नहीं चलो ठीक है, ठीक है, प्रभु मैंने, मोरी प्रभु मोरी बहन। हाँ प्रभु, पहली बात तो भगवान सब जानते, भगवान ने अवतार क्यों लिया, आप सुनो हमारी, बहुत ज्यादा चटर पटर बोलती तुम है, अब सुनो पहले गंभीरता से, हाँ गंभीरता से सुनो। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, किसी ने पूछा आप रावण का वध करने आते अथवा कंस का वध करने आते, तो राम जी बोले भैया ना हम रावण का वध करने आए ना हम कंस का वध करने आए, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर अवतार लेते हैं, क्योंकि भक्त मिलना चाहते हैं किससे, किससे मिलना चाहते हैं, प्रभु से, भगवान से, तो भगवान अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार। अब हम एक ही अंत में निवेदन करेंगे कि आपने थोड़ी सी जो पढ़ी है वो बड़ी सी पढ़ लो, आज से पहले वचन दो कि हम रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, वचन दो, वचन देते हैं, ठीक है, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी, खुश रहो बिटिया, खूब पढ़ो, ऐसे ही राम कथा सुनो।